जी देखिए, अनबन मुझसे नहीं करी है। एक्चुअली क्या होता है, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग अपने घर से पैकेट बनाकर व्यवस्था कर रहे थे। उस व्यवस्था को करते करते जब प्रशासन के द्वारा हमारे पास खबर आई कि नगर निगम द्वारा और संस्थाओं के द्वारा आपको भोजन भेजा जाएगा। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। तो जो भोजन हमारे पास आ रहा है, उस भोजन को हम बराबर एक टाइम आ रहा है, सुबह का, शाम का और सुबह का निगम के द्वारा आ रहा है, बाकी एक टाइम वैसे आ रहा है संस्थाओं के द्वारा, तो वो हम वितरित कर रहे हैं बस्तियों में। कहीं किसी को, मैं खुद पार्षद एक एक डोर टू डोर जाके बस्तियों में बांट रही हूँ। अब इसमें व्यवस्था ही खराब हो रही है कि रसद विभाग द्वारा कहा गया था कि नगर अपने जो DSO साहब ने कहा है कि जो राशन वाले हैं उनको हम सूखी सामग्री देंगे, कम रेट में आपके एरिया में आके बांटेंगे, और कुछ फ्री की व्यवस्था हुई थी, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप कह रहे हो नगर निगम DSO सामग्री वाली निःशुल्क बांटी जाएगी या इसका रेट लिया जाएगा? देखिए, DSO साहब से जो पहले पेपर में आया था उसमें ये आया था कि राशन वाले, जैसे हमारे यहाँ एक विनोद जी हैं, इधर अनिल बंसल जी हैं और एक घनश्याम शर्मा हैं, इन तीन लोगों को एरिया वाइज अपॉइंट करा गया है, तो उसमें अभी तक वो लोग आए नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हम राशन लेते हैं तो DSO साहब कहते हैं पहले पेमेंट जमा कराओ। हम तो बोला उनसे बंदे, अगर पैसा दे भी दे, सामान दे भी देंगे तो हम जनता से लेके उनको पैसा तो देना ही है वापस, तो वो व्यवस्था अभी तक नहीं हो पा रही है। दूसरा ये कहना चाहती हूँ, जो भी भामाशाह आटा या कोई सामग्री वितरित करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके जनता के जनप्रतिनिधि से पूछें, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई बस्ती में अगर वो आटा बांट जाते हैं या चौकी थाने पे जाके आटा दे के और बांटने को दे देते हैं, उससे मेरे वार्ड की क्या सभी वार्डों की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो भामाशाहों से निवेदन है, आप कहीं भी सूखी सामग्री देना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने बेस पर मत बांटें, कम से कम जनप्रतिनिधि को खड़ा करें ताकि हम बता सकें कि ये सामग्री हमारे नगर निगम या सरकार से नहीं, ये अपने आप लोग बांट के जा रहे हैं। इससे हमारी व्यवस्था गड़बड़ाएगी नहीं और लोगों में शांति बढ़ती रहेगी, भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। भीड़ लगने, अभी आपने जैसे देखा कि लोगों ने एकदम भीड़ इकट्ठी कर दी कि लोहार बस्ती में सूखा सामान है। मैंने उनसे कहा एक भी बंदा लेके आ जाओ कि सूखा सामान वार्ड 12 में कहीं बांटा गया है या किसी वार्ड में बांटा गया है, तो उन्होंने कहा उधर पीछे बांटा है। तो मैं वो औरत हूँ, मैंने कह दिया कि आप नाम बताइए कि किस बस्ती में किस औरत को बांटा है। तो कृपया करके इस तरह की अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि ये बीमारी जो है कोरोना, ये वायरस बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे आप लोग बच के रहें, किसी की अफवाह में मत जाएं। अगर आपको कोई समस्या है तो 9887227 इस पे मेरे पे फ़ोन कर लीजिए, ताकि आपको कभी किसी प्रकार की परेशानी हो तो मैं आपको स्वयं जवाब दूंगी। आप आपस में एक दूसरे से उलझे ना और अपने अपने घरों में रहें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और मास्क को लगा के घूमें। अभी हमारा देश जिस तरह से जूझ रहा है इस बीमारियों से, उसमें ज़्यादा हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए, हमें नेगेटिव लोग चाहिए, ताकि बीमारी में भी रहें और सोच से भी नेगेटिव रहें, एक दूसरे की मदद करें। देखिए, अभी जो आया है नगर निगम के द्वारा पार्षदों को लिस्ट दी गई थी, तो वो हमारे पास भोजन दोनों टाइम आया है। पहले हमको 40 का था, अभी हमको बढ़ा दिया गया थोड़ा, 100-150। अब आप जान सकते हो बस्तियों में 500-500 एक एक बस्ती में लोग हैं, तो कैसे भी करके हम इस व्यवस्था को चला रहे हैं। दूसरी जगह से भी हमारे पास आया है तो वो भी हम बांट रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसे समय का भेजा हुआ भोजन या धन अगर कोई अपने जेब में रखता है तो मैं कहती हूँ उसका खामियाजा उसको भगवान के द्वारा भुगतना पड़ेगा। ये वो स्थिति है जो गरीब भूख के लिए मर रहा है, और किसी भी प्रकार की कोई दुकान वाला भी अगर ब्लैक करता हो तो आप हमको शिकायत करें या कहीं पे भी जाके आपस में शिकायत करें, ताकि इस समय लोग कई ऐसे भी हैं, मैं आपको मीडिया के द्वारा बता देना चाहती हूँ कि वे अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, उनको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोरोना वायरस है कि क्या है। मैं कहती हूँ कोरोना वायरस से बढ़ के ज़्यादा बीमारी लगेगी जो अगर ब्लैक में सामान बेचेगा या किसी प्रकार की जनता के दुख पहुँचाएगा। मैं अजमेर शहरवासियों को कहना चाहती हूँ, जो भी व्यापारी भाई मेरे हैं या जो भामाशाह हैं, वो सामान अगर दे रहे हैं तो एक तो सही रेट पे दें, दूसरा अगर फ्री बांट रहे हैं तो जनप्रतिनिधि से मिलके उनके द्वारा बस्तियों पहुंचाएं, ताकि पूरी बस्ती में बेचें, एक ही बस्ती में दे के आ जाएंगे तो उससे हमारे वार्ड की व्यवस्था खराब हो रही है। ये मेरी अपील आप लोगों से, और इस कोरोना वायरस की बीमारी से बच के रहें, अपने घरों में रहें। प्रशासन पूरी तरह से हमारा सहयोग दे रहा है, पूरी तरह से हमारा साथ दे रहा है, तो आप लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपनी सावधानी बरतें। भारती श्रीवास्तव, भाजपा।
और मैं मीडिया भाइयों को भी, सभी को, जो भी मेरे मीडिया भाई हैं, MTTV हो, स्वामी हो, सरेरा हो, सभी मीडिया भाइयों को तय दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग हम तक आ रहे हैं, हमारी समस्याओं को सुनकर, हमारी आवाज़ को सुनकर प्रशासन तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि आज पुलिस प्रशासन हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, इसमें भयंकर तरह से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे कर्मचारी हो चाहे मेडिकल वाले हों, उन सबके भगवान उन सबके स्वास्थ्य को बरकरार रखे ताकि वो हमारी जनता की सेवा कर सके। देखिए 4 पॉजिटिव आ गए, उसके लिए मैं कहना चाहूँगी सभी को, पब्लिक को, कि अपने अपने घरों में रहें, सावधानी बरतें। आज सरकार की तरफ से भी और सभी लोगों के संस्थाओं के सहयोग से भी भोजन दिया जा रहा है। जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे वार्ड में भी दोनों टाइम जैसे भी सुविधा होती है, जैसे हमारी तरफ से भी हो रही है और संस्थाओं की तरफ से और सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, ये सारी सुविधाओं को हम लोग लाइन लगा के लोगों को दे रहे हैं। और गाड़ी से थोड़ी दूर पर हमने बर्तन रख के और उनको भोजन देते जा रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, जिनको वास्तव में ज़रूरत है, उन लोगों तक ये अन्न पहुँच सके और वो भूखे ना मरें, ऐसी व्यवस्था करी जा रही है। तो उस व्यवस्था को हम देखते हुए यहाँ पे सभी लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। और क्योंकि जो रोज़ कमाते थे उनके साथ भी परेशानी, और जो वैसे भी डेली रोड पे रहते थे उनको भी दिक्कत है, तो ऐसे लोगों को सुविधा हम घर घर जाकर दे रहे हैं। जी आज जब से अपने लॉकडाउन हुआ है तभी से हम लोग स्टार्ट हैं, और उससे पहले से व्यवस्था देख रहे हैं। आज कहाँ का वितरण किया आपने खाना? मेरा वार्ड नंबर 12 है। इस 12 वार्ड में भील बस्ती, लोहार बस्ती, अर्जन बस्ती, कुम्हार मोहल्ला, सभी जगह हम कर रहे हैं। भारतीय श्रीवास्तव, शहर जिला मंत्री। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।